Hey everyone, मैं हूँ ज्योति जसना द गर्ल. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय. सो आज के वीडियो में हम सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गार्नियर के शीट मास्क का डेमो एंड रिव्यू. मैंने दो शीट मास्क लिए हैं गार्नियर के, एक ये है चारकोल वाला और एक ये है वाइटामिन सी वाला. तो आज के वीडियो में आपके सबके साथ शेयर करूंगी ये ब्लैक सीरम प्योर चारकोल मास्क का डेमो एंड रिव्यू. ये वीडियो ट्यूजडे को जाएगा एंड जो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा दैट मीन्स फ्राइडे को, उसमें मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी वाइटामिन सी वाले मास्क का डेमो एंड रिव्यू. बट पहले ही मैं बता दूं कि शीट मास्क मुझे उतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते अपनी तरफ, क्योंकि शीट मास्क वन टाइम यूज़ वाली चीज़ होते हैं, यूज़ करो एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ होते हैं. तो मुझे लगता है कि 100-150 रुपए खर्च करके शीट मास्क लो और एक से कुछ उतना फ़र्क पड़ता नहीं है ये मुझे लगता है, जब तक उसको कंटिन्यूसली यूज़ ना करो. सो आई डोंट नो, मुझे उतना ज़्यादा सेंस समझ में नहीं आता. बट मैंने जब गुड वाइब्स का शीट मास्क का रिव्यू किया था तो उस वीडियो के नीचे उसके बाद ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि गार्नियर के शीट मास्क का रिव्यू करिए. सो ये वीडियो बिल्कुल उनके लिए है, मेरे उन व्यूअर्स के लिए, उन सब्सक्राइबर्स के लिए जो शीट मास्क पे वीडियो देखना चाहते थे, उसका रिव्यू देखना चाहते थे. एंड बहुत सारे लोग हैं जो शीट मास्क यूज़ करते हैं, उन्हें पसंद है क्योंकि ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है. तो आप बिल्कुल, मतलब आप अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, मुझे शायद उतना अट्रैक्ट नहीं करता, बट देर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको पसंद है, तो ये वीडियो उनके लिए है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शुरू करती हूँ मैं इसका डेमो रिव्यू सब कुछ. और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा एंड चैनल पर तो इसी तरीके के सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ओके, तो ये है गार्नियर का ब्लैक सीरम मास्क प्योर चारकोल प्यूरिफाइंग एंड हाइड्रेटिंग पोर टाइटनिंग टिश्यू मास्क. और इसकी प्राइस है ₹99 और मैंने ये अमेजोन से ख़रीदा था. बट आपको ऐसे मार्केट में भी जो ब्यूटी स्टोर्स होते हैं उसमें बहुत इजीली मिल जाएगा, क्योंकि गार्नियर एज अ ब्रांड बहुत ही आसानी से अवेलेबल है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह. मैं अमेजोन का परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं. इनका कहना है कि ये शीट मास्क जो है वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन है. और बता देती हूँ कि इनका क्लेम क्या क्या है. तो इनका कहना है कि जब आप इसको पहली बार यूज़ करोगे, 15 मिनट्स के लिए रखोगे और फिर निकालोगे, तो आपकी स्किन प्यूरिफाइड लगेगी, डिटॉक्सिफाइड लगेगी, पोर्स विजिबली मिनिमाइज लगेगी, स्किन हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेश लगेगी. एंड उसके बाद इनका कहना है आफ्टर वन वीक, और वीक में आपको इसको 3 बार यूज़ करना है, उसके बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, उसके बाद आपका स्किन टेक्सचर जो है वो रिफाइंड लगेगा, स्मूदर लगेगा, स्किन लुक्स क्लियरर एंड हेल्दियर. तो ये इनके क्लेम्स है. तो हालांकि मेरे पास तो एक ही है, मैंने 3 नहीं मंगाया था, बट बिल्कुल मैं आपको ये तो बता ही सकूंगी कि 15 मिनट्स के बाद मेरी स्किन पे क्या होता है, इन्होंने जो कहा है वो होता है या नहीं होता है. तो बता देती हूँ कि इसके जो की इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या है. तो इसमें है ब्लैक एल्गी, एलएचए एंड हाइलुरोनिक एसिड, एंड वन मास्क इज इक्वल्स टू 1 वीक ऑफ सीरम. एंड इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जो यहाँ छोटे लिखा हुआ है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इसकी पिक्चर लेकर डाल पाऊँ, नहीं दिखाई देगा, बट ये मान लीजिए कि इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स भी हैं. ओके, तो मैं आपको इसका डेमो दिखा देती हूँ. तो कोई भी फेशियल करने के पहले, फेस मास्क, फेस पैक, शीट मास्क लगाने के पहले, सबसे पहला स्टेप होता है फेस को वॉश करना. फेस वॉश तो यहाँ पे लिखा भी है कि आपको इसको क्लीन फेस पे लगाना है. तो मैंने फेस वॉश से फेस को वॉश कर लिया है, सुखा लिया है एंड अब मैं इसको ओपन करूँगी. तो मैं इसको कट करके इस तरीके से यहाँ से ओपन कर लूँगी. तो ओपन कर लिया है मैंने इसको और इस तरीके से अंदर शीट मास्क है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ. एंड वाओ, इसमें बहुत सारा सीरम है, लाइक इट्स ड्रिपिंग इन सीरम. अंदर भी पैकेट में काफ़ी सारा सीरम बचा हुआ है. तो बचे हुए सीरम के साथ आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ. पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ एंड फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ. तो इस तरीके का कुछ है ये, एंड काफ़ी बड़ा शीट मास्क है, तो जिनका फेस लाइक चौड़ा है, बड़ा है, उनके लिए भी अच्छा है, छोटा सा शीट मास्क नहीं है ये. तो ये मैंने लगा लिया है एंड इसमें बहुत सारा सीरम है, लाइक इट्स ड्रिपिंग इन सीरम. बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें सीरम दिया हुआ है एंड इसका कटआउट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फेस को बहुत अच्छे से कवर कर रहा है ये. जिनका फेस बड़ा है, चौड़ा है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है. तो इस तरीके से हल्का हल्का सा प्रेस करके आपको इसको छोड़ देना है 15-20 मिनट्स में, उसके बाद इसको आप रिमूव कर लीजिए ऊपर से नीचे की तरफ करके. एंड जो इसमें एक्स्ट्रा सीरम है उसका आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको तुरंत यूज़ कर लो आपके नेक्स पे, आपके हैंड्स पे, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो सीरम है उसे किसी साफ छोटे से कंटेनर में, बॉटल में जो बिल्कुल साफ हो, उसमें निकाल के रख लो और आप डेली फेस को जब आप वॉश करो मॉर्निंग में या नाइट में मैं रिकमेंड करूँगी, तो वो सीरम लेके फेस पे अच्छे तरीके से मसाज कर लो. तो इसको निकालने के बाद फेस को वॉश वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. तो मैं वेट करूँगी 15-20 मिनट्स और फिर मिलती हूँ आपसे.
ओके सो अभी 20 मिनट्स हो गए हैं नाउ इट्स टाइम टू रिमूव द शीट मास्क तो मैं इसको निकाल लूंगी एंड आपको इसके सूखने का वेट नहीं करना है जैसे हम अदर मास्क लगाते हैं तो वो सूख जाते हैं फिर हम उन्हें निकालते हैं तो इसके सूखने का आपको वेट नहीं करना है सूखेगा नहीं तो 15-20 मिनट्स बाद आप इसको ऐसे निकाल लीजिए एंड जो एक्सेस सीरम है ना फेस पर उसको आपको मसाज कर लेना अच्छे तरीके से एक्सेस सीरम को फेस में मसाज करिए जब तक कि आपके फेस में अब्जॉर्ब ना हो जाए और आप चाहो तो आप डायरेक्टली एक कॉटन से इसको रिमूव भी कर सकते हो फेस को वॉश नहीं करना है कीप दैट इन माइंड तो मैं इस तरीके से मसाज करते हुए इसको तब तक करूंगी जब तक स्किन में ये अब्जॉर्ब ना हो जाए ओके तो मैंने फेस को अच्छे से लगभग 2 मिनट तक मसाज किया है एंड मैं अब रिजल्ट देखती हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जो इनका कहना है कि ये फेस को बिना ड्राई किए हुए हाइड्रेट करती है तो यस मेरी स्किन मुझे बिल्कुल भी ड्राई नहीं लग रही है सीरम अच्छे से अब्जॉर्ब हो चुका है मैंने फेस को फेस वॉश से वॉश किया था अभी विंटर चल रहा है तो विंटर में फेस को वॉश करो और कुछ ना लगाओ तो फेस ऐसे ड्राई होता है बट मेरी स्किन मुझे बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं हो रही है बहुत ही अच्छे से इसने स्किन को मॉइस्चराइज किया है एंड हाइड्रेट करा है तो लाइक बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है स्किन पे एंड स्किन ग्लोइंग भी लग रही है इसमें जो सीरम है ऑब्वियसली उसकी वजह से स्किन ग्लोइंग भी लग रही है तो इनका कहना है कि आप इसको जब पहली बार यूज़ करोगे फर्स्ट यूज़ में आपको स्किन प्यूरिफाइड लगेगी डिटॉक्सिफाइड लगेगी पोर्स विजिबली मिनिमाइज लगेंगे एंड स्किन हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेश लगेगी तो हाइड्रेटेड एंड रिफ्रेश तो बिल्कुल लग रही है स्किन मेरी एंड प्यूरिफाइड एंड डिटॉक्सिफाइड लाइक यस पोर्स वगैरह मुझे अभी मैं देखूँ तो पहले के मुकाबले में लाइक मुझे मिनिमाइज लग रहे हैं टाइटन लग रहे हैं एंड स्किन भी लाइक काफ़ी ग्लोइंग लग रही है स्किन साफ एंड ग्लोइंग लग रही क्लीन लग रही है एंड उसके बाद इन्होंने कहा कि आप इसको 1 वीक तक यूज़ करोगे लाइक आफ्टर 1 वीक तो स्किन का टेक्सचर ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा स्किन आपको क्लियरर और हेल्दियर लगेगी और इनका कहना है कि हफ्ते में आपको इसको 3 बार यूज़ करना है विजिबल रिजल्ट देख लेंगे तो खैर अभी तो मेरे पास एक ही था तो मैं इसको पहली बार ही यूज़ करी हूँ और यस फर्स्ट यूज़ करने के बाद स्किन काफ़ी ग्लोइंग एंड लाइक टाइट सी लग रही है तो ऑब्वियसली इसमें जो सीरम है उसकी वजह से तो रिजल्ट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी और नहीं आप यूज़ करना चाहते हफ्ते में 3 बार इसको इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो आप लेके रख सकते हैं जैसे कोई स्पेशल ओकेजन है आपको तैयार होना है बाहर जाना है तो अपने फेस पे मेकअप लगाने के पहले या आप मेकअप नहीं भी लगा रहे हो आपके स्किन केयर के पहले आप इसको लगा लीजिए 15-20 मिनट छोड़ दीजिए उसके बाद इसको निकाल के सीरम को अच्छे से मसाज कर लीजिए स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद अपना जो नॉर्मल स्किन केयर है वो करिए आप बाहर जाइए और इसके ऊपर आप मेकअप भी कर सकते हो एंड लाइक जो तुरंत वाला ग्लोइंग इफेक्ट होता है वो देता है ये स्किन को तो आपको स्पेशल ओकेजन वगैरह है तो आप इसको लाइक फटाफट फेस पे ग्लो चाहिए फेस आपको स्मूथ चाहिए थोड़ा टाइट ऐसा लगे तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो एंड मुझे सच में इसके रिजल्ट्स अच्छे लगे हैं तो मैं बिल्कुल इसको रेकमेंड करूँगी एंड स्किन मेरी बिल्कुल भी ड्राई नहीं फील हो रही तो आई फील कि सारी स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं ऑल्सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि जो शीट मास्क होते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम यूज़ के लिए होते हैं शीट मास्क आपको लगाना है और 15-20 मिनट जब आप उसको निकालेंगे तो आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है उसको रखना नहीं है दोबारा आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं ये 1 टाइम यूज़ एंड थ्रो बट इसमें जो सीरम है उसको आप लेके जो एक्सेस सीरम है उसको आप लेके एक साफ कंटेनर में रख लीजिए और उसको आप 10 दिन तक यूज़ कर सकते हैं बट शीट मास्क को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते सोया ये था आज का वीडियो एंड फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप शीट मास्क के शौकीन हैं तो आप 99 रुपीज़ का ये शीट मास्क मिल रहा है एंड शायद कभी कभी नायका अमेजोन पे डिस्काउंट भी चलता होगा तो और सस्ते में मिलता होगा तो आप शीट मास्क के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं क्योंकि 15 मिनट्स के बाद मुझे स्किन पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखाई दिए एंड मेरी तरफ से मैं इसको थम्स अप दूंगी सोया ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर जरूर करेगा एंड चैनल पर तो इसी तरीके के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करेगा एंड ये जो दूसरा वाला मैंने विटामिन सी वाला शीट मास्क लिया था इसका वीडियो आने वाला है नेक्स्ट फ्राइडे को तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं मिस नहीं करना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे ही ये वाली वीडियो जाए आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए स्टे ट्यून टेक केयर एंड चीयर